जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 2 का नाम है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, तो कब भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया? तो इसमें लिखेंगे हम लोग 26 जनवरी 1950। भारत तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत एक संप्रभु, यानी भारत का जब संविधान लागू हुआ तब से भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। भारत का संविधान किसे धर्म या पंथ को प्रोत्साहन देता है? तो लिखेंगे भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहन नहीं देता है। वह भारत जो है वह एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तीसरा है, भारत एक देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का शासन लोगों के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र का क्या होता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। तो भारत में लोकतंत्र है। चौथा प्रश्न है, किस संविधान लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे? तो 2014 में चुनाव 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए हुए थे। ठीक है, करते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा। पाँचवा प्रश्न है कि अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। देखिए अनुच्छेद 19 क्या होता है बताना है, अनुच्छेद 19 क्या होता है? तो अनुच्छेद 19 में हमें 6 तरह की आज़ादी दी गई है कि हम अपने वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी होती है, संगठन या संघ बनाने की आज़ादी होती है, भारत के किसी भी राज्य में घूमने की आज़ादी होती है, भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की आज़ादी होती है। ठीक है, आप रोजगार में इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, रोजगार में भी स्वतंत्रता होती है, चाहे भी आप किसी भी जाति की हो। छठा है, समानता का अधिकार पर किसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो समानता के अधिकार, समानता के सिद्धांत के अधिकार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, और यह छुआछूत के अनुसार कितने हैं? अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो वह दंड के भागीदार होगा, उसे दंड दी जाएगी। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एक अखंडता व एकता की रक्षा करें। तो लिखेंगे अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। इसमें के बाद प्रश्न उत्तर है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें लिखेंगे कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों या पंथों के साथ एक समान व्यवहार करना, धर्म एवं पंथ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं? लिखेंगे भारतीय संविधान में निम्नलिखित आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, अखंडता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता इत्यादि सम्मिलित हैं। और ये सारी चीज़ें आप जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे तो ये सारे शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान में क्या है आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ने पर पता चलेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना की परिभाषा दें। तो लिखेंगे प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय। भारतीय संविधान का प्रस्तावना
भारतीय संविधान की भूमिका होती है। भारतीय संविधान का सार प्रस्तावना होती है, इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। चौथा है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसमें लिखेंगे कि भारत का बिस्मार्क और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपको बताना है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा है, वो कमेंट बताना है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको कमेंट बताना है। पांचवा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो लिखेंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, छठा प्रश्न, समानता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, समानता का अर्थ है विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और सभी को विधि के समान संरक्षण प्राप्त हो, किसी पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, यही है समानता का अर्थ। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और जो समानता का अधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जाति धर्म जन्म स्थान लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी धर्म जाति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 कहता है जन्म स्थान के भेदभाव पर भेद के आधार पर भेदभाव नहीं, लोक नियोजन के कार्यों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मानक शारीरिक दक्षता के आधार पर भेदभाव कर सकता है, जैसे आर्मी में होता है तो उसमें शारीरिक दक्षता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये थे, करते हैं इसके बाद सातवां, भारत एक लोकतांत्रिक देश है कैसे? तो लिखेंगे लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। साथ ही भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसके प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, न्याय का क्या अर्थ है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, किसी भी शासन व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय कहलाता है। भारतीय संविधान में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन के सभी साधनों पर सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ है विधि के समक्ष सभी नागरिकों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। नोट कर लीजिए इसे, प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। 9वां प्रश्न कहता है, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 32 प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाएगी। और दूसरा है अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय वह जा सकता है और उसके आधार पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है,
जो उच्चतम न्यायालय है वो पांच प्रकार का रिट जारी कर सकता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिशेष, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ये लिखना है आपको। करते हैं प्रश्न संख्या दसवां। दसवां कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग लिखें, तो ये आप लोग को याद कर देना है, 10 बार इसे पढ़िएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। ये आवश्यक है कि आपको अपने देश के, अपने भारत का संविधान का प्रस्तावना याद हो। तो करते हैं, इसे लिखेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपको लिखना है, आराम से वीडियो रोक लो और लिख लो, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 इसके बाद होगा, अच्छा उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है, देख लूंगा। प्रश्न संख्या 12 कर लेते हैं, उसके बाद एक सेकेंड, समाजवाद। अच्छा, प्रश्न संख्या 12 को कर लेते हैं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट करें। इसमें लिखेंगे कि इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। प्रश्न संख्या 13, समाजवाद से क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे समाजवाद से तात्पर्य है भारत में रह रहे हर व्यक्ति को महसूस हो कि वह एक समान है। ठीक है, हर व्यक्ति को महसूस हो कि वह एक समान है, उसके साथ एक समान भेदभाव नहीं, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, उसे भी एक समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। इसके बाद 14 प्रश्न है, 14वां, कि भारत संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, फिर से करते हैं, 14 प्रश्न इसमें कि संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसमें लिखेंगे भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत का संविधान किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह सभी धर्म को एक समान अधिकार प्रदान करता है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।